सो आज रात को यानी कि अप्रोक्स 2 बजे कॉमिक कॉन के अंदर प्रोजेक्ट के का फर्स्ट ग्लिम्स ड्रॉप हुआ एंड इट डज नॉट डिसअपॉइंट। अब स्टार्टिंग से ही इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा हाइप्ड था, लेकिन 2-3 दिन पहले जब इन लोगों ने प्रभास का एक फर्स्ट लुक पोस्टर निकाला जहां पे अपने को प्रभास का पहली बार लुक देखने को मिलता है इस मूवी से, तो इस मूवी को लेकर जितनी भी मेरी हाइप थी वो थोड़ा नीचे हो गई एंड किसी भी तरह से मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया। लेकिन उसके बाद जब सुबह उठ के मैंने इसका फर्स्ट ग्लिम्स देखा तो मेरे रिएक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग थे। अब एक्चुअली में मुझे ये फर्स्ट ग्लिम्स तो बहुत अच्छा लगा, तो इस ग्लिम्स से काफी सारी चीजें भी क्लियर हो जाती है, जैसे कि ये मूवी या फिर मैं ये कहूँ कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स 2898 AD में सेट होने वाला है। जी हाँ, कल की 2898 AD एक्चुअली में एक मूवी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसको इंडियास बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से हाइप अप किया जा रहा है कॉमिक कॉन के अंदर। तो अभी के लिए इसका प्लॉट यही लग रहा है कि सन 2898 तक कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और घोर कलयुग स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद पोस्ट अपोकैलिप्टिक इवेंट्स चालू हो जाएंगे जहां रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे एंड रेडर्स जो कि एक्चुअली में इस मूवी के अंदर विलन्स होने वाले हैं वो अर्थ को इन्वेट कर रहे हैं। तो इन सबको रोकने के लिए हमारे विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि का जन्म होगा जिसका रोल प्ले करेंगे अपने प्रभास भैया। एंड शॉर्ट ऑफ यही एक बेसिक प्लॉट है इस मूवी से रिलेटेड, बाकी की स्टोरी की आइडिया तो हमें ट्रेलर और मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये ग्लिम्स एक काफी हैंडफुल सा आइडिया दे देता है कि ये मूवी एक बढ़िया मूवी होगी एंड इसके विजुअल्स काफी सही लग रहे हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और CGI इन दोनों को कैसे यूज किया जाए कि हमें बेस्ट आउटपुट मिले, ये मूवी उस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल बनेगी इंडियन सिनेमा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास मूवी को रिलीज होने में ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम और है, तो ये लोग अपने वर्क को रिफाइन कर सकते हैं ऑडियंस से फीडबैक मिलने के बाद। इसके अलावा ग्लिम्स के कुछ शॉट्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगे, जहां सबसे पहले प्रभास का ये पैर वाला शॉट हमें देखने को मिला जहां उसके पैरों में थ्रस्टर्स लगे हुए हैं एंड यकीन मानो ये बहुत कूल दिखता है भाई। जब मैंने 2008 वाली आयरन मैन को पहली बार देखा था तब मैंने थ्रस्टर्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था, तब मैं डाउटफुल था कि भाई थ्रस्टर्स वाले कॉन्सेप्ट को इससे और बेटर तरीके से नहीं दिखा सकता, बट आई वॉज रॉन्ग। थ्रस्टर्स वाले कॉन्सेप्ट को जिस तरह से इस मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है बहुत कूल लग रहा है, यकीन मानो। ये पूरा जो पैर वाला शॉट हमें ग्लिम्स में देखने को मिला ना, मैं इजीली इसे टीजर का मनी शॉट कहूंगा, आप मानो है ना मानो, बट दिस लुक्स डैम कूल टू मी। इन सब के अलावा प्रभास का लुक बहुत सही लग रहा है, रीसेंट के कुछ मूवीज से तो बेटर ही है एटलीस्ट। इन सब के अलावा अमिताभ बच्चन सर जी का जो ही लुक बनाए इन लोगों ने मूवी के लिए बहुत सही लग रहा है। एंड थ्योरीज की माने तो इंटरनेट पे भी बहुत सारी थ्योरी चल रही है कि भाई अमिताभ बच्चन जो है वो अश्वत्थामा का रोल प्ले करने वाले इस मूवी के अंदर, जो कि अपने कल्कि यानी कि प्रभास की हेल्प करेंगे इस बैटल के थ्रू। हालांकि ये सुनने में जरूर आया था कि इन लोगों ने अपने VFX टीम के अंदर बहुत से न्यू टैलेंट्स को चांस दिया है एंड अभी के लिए ये चीज उनके फेवर में तो सही लग रही है, लेकिन ट्रेलर आने के बाद अपन को और अच्छे से आइडिया लग पाएगा इस मूवी के VFX और CGI के बारे में। एनीवेज, आदि पुरुष के बाद प्रोजेक्ट के यानी कि कल्कि को लोग एक ऐसी मूवी की तरह देख रहे हैं जो कि शायद नेक्स्ट बाहुबली लेवल की मूवी होगी इंडियन सिनेमा के लिए, जो कि एक नया PR सेट करेगी इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए। उसके बाद इस मूवी में अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं जिनको देख के कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इतने सारे एक्टर्स हैं तो स्क्रिप्ट तो तगड़ी होगी ही मूवी की। एंड इसको लेके हाइप भी अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी है, इवन ग्लिम्स के आने से पहले ही लिटरली मूवी मेकर्स ने फ्री मर्चेंडाइज दिया, अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड टी-शर्ट्स बांटे हैं फैंस को वो भी फ्री में। इसके अलावा कॉमिक कॉन में जिन लोगों ने पूरा इवेंट रखा है एक दिन पहले वो एक अलग हाइप क्रिएट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट के लिए यानी कि कल्कि के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ग्लिम्स बहुत सही लग रहा है मुझे, एक नेक्स्ट लेवल हाइप बिल्ड हो चुकी है इस मूवी को लेके एंड बहुत से लोग इस मूवी को कॉपी कॉपी जरूर बोल रहे थे, तो भाई एक काम करो तो अपनी गांड मराओ जाके। अगर तुम इतने में भी खुश नहीं हो तो भाई तुम आदि पुरुष ही डिजर्व करते हो। लेकिन मजाक से हट के अगर इस ग्लिम्स को देख के तुम पूरी मूवी को जज कर रहे हो तो सही नहीं होगा, सिंस 3 घंटे की मूवी का VFX और CG करने में हजारों लोगों की मेहनत लगती है और सालों का टाइम भी लगता है। तो एक बार ट्विटर और यूट्यूब पे हेट फैलाने के अलावा एक बार अपने जीवन में भी जाग के देख लो कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा खासा उखाड़ रखा है कि नहीं, या फिर खाली तुम अपने बाप के पैसे से रिचार्ज करवा के ट्विटर और यहाँ पे गंदे गंदे कमेंट्स करते हो मूवी को लेके, हेट स्प्रेड करते हो। खैर आज के इस वीडियो के लिए बस इतना, अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी माय नेम इज अवि एंड यू आर वाचिंग सिनेमा विद अवि।